सही है या गलत है आपने फैसला करना। एक प्राइम मिनिस्टर है जिसे पूरी दुनिया झुककर सलाम कर रही है, G20 की मीटिंग इंडिया के अंदर हुई, बड़े बड़े वजीर आके इंडिया के पांव में गिर गए, नरेंद्र मोदी के पांव में गिर के कह रहे हैं कि भाई आप ही सब कुछ हो। अभी दूसरी तरफ हमारे पॉलिटिशियन है, आप हमारे पॉलिटिशियन बाहर के मुल्क में जाते हैं, कहते हैं पाकिस्तान के अंदर स्पीच करते हुए कहते हैं बेगर कांट बी चूजेस। अब आपने फैसला करना है कि बेस्ट कौन सा वजीर आजम है अपने मुल्क के लिए। एक वजीर आजम है जो दुनिया में कहता है कि भाई हमारे मुल्क जैसा कोई मुल्क नहीं है, इंडिया जैसा कोई मुल्क नहीं है, वो अपने मुल्क की मतलब के बढ़ाने के लिए काम करता, तरक्की के लिए काम करता, और दूसरी तरफ हम है हमारे मुल्क के कौन सा ऐसा वजीर आजम है जो मुल्क की तरक्की के लिए काम करता। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी गए हुए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर गए हैं तो जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा मोदी इज अ बॉस, नरेंद्र मोदी बॉस है। क्या कहना चाहेंगे कि एक तरफ दूसरा मुल्क है जिसकी वाहवाही खत्म ही नहीं हो रही, दुनिया तारीफें भी तारीफें कर रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान हम में हमें कोई पूछता ही नहीं है, डिफरेंस बताएं। सर इसका तो हमें खुद सोचना चाहिए ना, हमें ऐसे बंदे को सिलेक्ट करना चाहिए जो आगे हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाए, ना कि ये फसादात और आपस की जंग के अंदर लगे रहे। मुझे अब सिंपली मेरा आपसे ये सवाल भी है और जवाब भी है, मुझे बताएं कि इस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को पड़ी हुई है कि इलेक्शन नहीं करवाने, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाने हैं, इन दोनों के चक्करों में मुझे बताएं इस टाइम आवाम का क्या कसूर है? आवाम का बेड़ा गर्क हो चुका है इसी तरह है। उधर इंडिया में जो है उधर वो जो मर्जी करता रहे, उन्होंने जो है अपनी पॉलिसी को देखना है। आप मुझे बताएं कश्मीर के अंदर वो कितना जुल्म और सितम कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने G20 जो मीटिंग है वो कश्मीर के अंदर मुनक्किद की है, उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। वो क्यों? क्योंकि सर जो लिबरल जितने भी हैं सारा यहूद और नसारा इंडिया के साथ है, हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं ना, पाकिस्तान में रहते हैं। मुझे बताएं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो अमेरिका है वो कहता है कि जी मेरे जैसा अमन पसंद कहीं नहीं है। मुझे बताएं लीबिया में, उसके बाद शाम में, मिस्र में, अफगानिस्तान में, मुझे बताएं अमेरिका ने आके अपनी वो नीटो की फोर्स लाके वहां हमले करता है, उनके घर वालों को, उनके पेरेंट्स को शहीद करता है, उनके घरों को तबाह करता है, बाद में आके उन्हीं बच्चों के ऊपर सर के ऊपर हाथ रखे कहता है जी मैं आपका खैर खाऊं। मुझे बताएं अमेरिका आपका खैर खां किस तरह है या इंडिया आपका खैर खां किस तरह है, मुझे आप बताएं। हम लोग सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले तो हमें जितनी इस्लामिक कंट्री है हमें एक हो जाना चाहिए, हम एक होंगे तो मुल्क में तरक्की करेंगे। मुझे बताएं मार्शल लॉ इस्लामिक कंट्रियों में लगती है, इसके अलावा मुझे बताएं कभी यूरोप में किसी कंट्री में मार्शल लॉ लगा? इंडिया में लगा नहीं, इंडिया में लगा मार्शल लॉ नहीं लगा। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि यूरोप के अब स्पेशली जितनी इस्लामी कंट्री है ना, आप इधर अपना क्या नाम है इधर कजाफी कौन से मुल्क है? लीबिया में भी लगा है, ठीक है। उसके बाद जितनी भी इस्लामी आप कंट्री देख ले सब में जितना भी मार्शल लॉ आता है भाई। क्यों आता है सर? अवाम नहीं ना ठीक है, अवाम नहीं ठीक, वहां के जर्नैल नहीं ठीक है सर। ये कसूर तो हमारा ही है ना, फिर इसमें हम यहूदियों ने सारा को या हम हिंदुओं के बारे में क्या कह सकते हैं? हम खुद ही नहीं ना ठीक है सर, हम खुद नहीं ठीक है, हम कब ठीक होंगे? हमें खुद अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, हम खुद चेंज होंगे तो ही सब कुछ ठीक हो सकता है। या तो हम दुनिया में तैयारी बहुत अच्छी कर लें या हम आखिरत की तैयारी कर लें, क्या हम दोनों कर रहे हैं? दोनों करनी चाहिए क्या? हम दोनों में से एक कर रहे हैं? नहीं सर, एक तो कर ले सर। मेरा तो ये मशवरा है कि भाई जान दोनों की करनी चाहिए। मैं दोनों भागने में अल्लाह ताला दोनों करने की तौफीक दे, लेकिन मैं पूछ यहाँ पर ये रहा हूँ कि हम दोनों में से कोई एक भी कर रहे हैं? नहीं, एक भी नहीं कर रहे सर। क्यों नहीं कर रहे? हम मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का? नहीं कर सकते सर। क्यों नहीं कर सकते हम? सर इसलिए नहीं कर सकते, आप बताए ना आपके मुल्क के हालात इस टाइम क्या है? इंडिया में आप देख लो, इंडिया में गुर्बत पाकिस्तान से ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया के आप हालात देख रहे हैं। आप रिसेंटली वहाँ एप्पल आईफोन वहाँ बनने जा रहा है, उसके बाद मर्सिडीज पता नहीं लैम्बोर्गिनी जो है वहाँ मर्सिडीज की कंपनी उधर आ गई है, मुझे बताएं। और हमारे जो आपस के सियासत के चक्कर ही नहीं खत्म हो रहे, अभी टेस्ला भी आ रही है। बिल्कुल, टेस्ला भी उधर आ गया, मुझे बताएं ना। अब मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ क्रिकेट मैच होता है ना तो हम पाउडर की मशहूरी दे देंगे, दूध की मशहूरी दे देंगे, सरफ की मशहूरी दे देंगे। आप इंडिया में जाके देखे जब उनको IPL होता है या वर्ल्ड कप होता है, वो इन चीजों की मशहूरी नहीं, वो IT से रिलेटेड चीजों की मशहूरी देते हैं भाई, जिनसे उनको अरबों रुपया इकट्ठा होता है। हमारे यहाँ वो दूध, नेस्ले और सरफ की मशहूरी नहीं खत्म होती सर। हमें तो खुद सोचना चाहिए ना कि हमारा मुल्क किस चीज में तरक्की करेगा। IT में हमें आगे वो अपना कदम बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बढ़ा रहे हैं कदम? नहीं बढ़ा रहे सर। इंडिया IT का हब है, इसी तरह है सर। आप देखेंगे, सर्च करेंगे, बेंगलुरु उनका पूरा IT हब माना जाता है और दुनिया को IT एक्सपोर्ट करते हैं वो। इंजीनियर सबसे ज्यादा इंडिया प्रोड्यूस करता है, डॉक्टर सर उधर है। सर एक सवाल यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा, इंडिया के पॉलिटिशियन जो आते हैं वो अपने मुल्क के मफाद के लिए आते हैं या फिर अपने मफाद के लिए आते हैं? पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पॉलिटिशियन मुल्क के मफाद के लिए आते हैं या अपने मफाद के लिए आते हैं, ये दो
जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसको जरा बताइएगा कि मुझे मेरे ऑडियंस को बताइएगा। सर ये अपने मफाद के लिए आते हैं। और इंडिया में इंडिया वाले वो अपने मुल्क के मफाद के लिए आते हैं। इतनी बड़ी बात है आप देखना। फिर हम कहते हैं कि हम तो मुसलमान, हमारा मुल्क मुसलमान, हमारे सियासतदान मुसलमान, हम सबसे अफजल। सर फाइव फिंगर इस तरह से, सर फाइव फिंगर इज नॉट इक्वल टू अनदर। ठीक है, हमें खुद को चेंज करना चाहिए। मुझे बताएं हम लोग जो है आजकल जो हम लोगों का घर बच्चा पैदा होता है, हम लोग आलम दीन से जाके अजान दिलवाते हैं, जनाजे हमारे मौलवी पढ़े। जब सियासत की बात आती है तो हम लोग कहते हैं जी मौलवी को बीच में नहीं आना चाहिए। मुझे बताए सियासत स्टार कहां से हुआ है? तुम्हारे फारूक रजी अल्लाह अन्हु जिनकी 26 लाख मरबा मील पर हुकूमत थी, आधी दुनिया के ऊपर हुकूमत थी। और मुझे बताएं इंग्लैंड में मेरी फैमिली, मेरे कजन वगैरह लंदन में होते हैं, मुझे बताएं उधर अभी भी उमर ला चल रहा है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के दौर का। उन्होंने नाम तक चेंज नहीं किया सर। उधर जब बेबी पैदा होता है तो फर्स्ट डे से लेके अंडर 18 तक टोटल उसका पैंपर का खर्चा, उसकी एजुकेशन का खर्चा सारा गवर्नमेंट अफोर्ड करती है। मुझे बताएं पाकिस्तान वाहिद मुल्क है पूरे वर्ल्ड में जहां एजुकेशन के ऊपर टैक्स लागू होता है। मुझे बताएं कहीं टैक्स लागू होता है? पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन और हेल्थ फ्री है। हमारे टैक्स ज्यादा कहां है? और ये टैक्स ज्यादा सारे हुक्मरानों की जेबों में जाते हैं। और जुल्म नहीं है फिर? सर जुल्म है ना सर। फिर जब आवाम बाहर रोड पे निकलती है तो फिर इन्हीं पे तशद्दुद होता है। सर आवाम मेरी, मैं सिंपल से आपसे बताऊंगा, आवाम भी गलत निकलती है। मुझे एक बात बताएं, आप इमरान खान साहब को देख लें, इमरान खान साहब अरेस्ट हुए। मुझे बताएं उसके अलावा नवाज शरीफ भी अरेस्ट हुए, जरदार भी। सबसे बड़ी बात है हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब, जिनके वाली साहब रिसेंटली डेथ हुए आज से तकरीबन 2 साल पहले, खादम हुसैन रिजवी साहब। पाकिस्तान का उससे बड़ा जनाजा किसी का नहीं हुआ। मुझे बताएं यहाँ अगर एक टीचर को हथकड़ी लग जाए तो हमारी अदालत उसको कहते हैं कि ये गलत, आपको जो आपके प्रोफेसर है या टीचर है उनको हथकड़ी लगा के नहीं लाना चाहिए। मुझे बताएं एक आलम दिन खादम हुसैन रिजवी साहब, अभी आपने रिसेंटली वो भाई से क्वेश्चन किया कि इमरान खान को व्हील चेयर से उठा के घसीड़ा गया, उसकी टांगे ठीक नहीं थी। मुझे बताएं अलामा खादम हुसैन रिजवी साहब को सीढ़ियों से घसीड़ के हमारी पुलिस नहीं लेके आई। वो एक आलम दीन है, ठीक है, वो हमें दीन पढ़ाता है, दीन की तबलीग देता है। मुझे बताएं कि ये दोरा मियार क्यों नहीं खत्म होता हमारे मुल्क का? एक आलम दीन को आप सीढ़ियों को सीढ़ के ला रहे हो, और अगर प्राइम मिनिस्टर को उठा के ले गए तो उसके ऊपर हम लोग बोलते हैं। और मुझे बताएं अलामा साद हुसैन रिजवी साहब को 7 माह जेल में रखा है, ठीक है, माँ उनकी बेचारी की इज्जत में थी, घर की कफारत उस बच्चे के सर पे थी, ठीक है, बहनों का सर भरा वो, घर का सर भरा वो, उसके बावजूद आप उसके ऊपर इतना तशद्दुद कर रहे हैं। उसके कारकुन जो बाहर नजर आ रहे थे मीडिया को, आपने 28 लोगों को शहीद किया। मुझे बताएं अंदर उस बंदे के ऊपर कितना जुल्म हो रहा होगा? हमने कभी सोचे? कभी नहीं सोचा। 28 साल का वो लड़का है, उसके ऊपर तो हमारी मीडिया, उसके ऊपर तो हमारे जजेस को कल नहीं आती, लेकिन इमरान खान साहब को हल्का सा पकड़ो तो हमारे जजेस को रिलीफ देने लग जाते हैं। एक सवाल यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा, हम कौम है? जी बिल्कुल कौम है, वाकई में कौम है, अल्हम्दुलिल्लाह कौम है। फिर कौम है तो यहाँ पर कोई कोई सिंधी है, कोई पठान है, कोई बलोची है, दूसरे नंबर पर कोई यहाँ पर पीटीआई का, कोई लून लीग का, कोई यहाँ पर ये क्लब बैक का, बताइएगा कि कौम कहाँ पर छुपी हुई है? सर कौम को इस टाइम एक होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। मेरा तो आपसे ये रिक्वेस्ट है और सारी पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि मैं यहाँ पर आपको गारंटी देकर कह सकता हूँ कि इंडिया के अंदर आप कोई वहां पर बीजेपी का नहीं है, कोई वहां पर कांग्रेस का नहीं है। जब मुल्क की बात आती है ना, सारे इंडियंस ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं जैसे कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि यार ये इंडियंस इतने इनमें एक है, ये कौम है यार, आप ऐसे कहने पे मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर आप बुलाएं किसी को, आपके कोई बड़े से बड़े पॉलिटिशियन यहाँ पर आए पाकिस्तान के लिए बाहर निकलो, कोई एक निकल आएगा? सर कोई भी नहीं निकलेगा, सबको अपनी पड़ी हुई है। मुझे बताया ना किसको पब्लिक की पड़ी है। इस टाइम आप हालात देख लें मुल्क के क्या जा रहे हैं। मैं जो था नवाज शरीफ इमरान खान साहब का जब दौर खत्म हुआ, मैं 90 रुपए किलो आटा लाता था यार। अब जब नवाज शरीफ का दौर आया, साल हो गए तकरीबन 180 रुपए किलो आटा हो गया है। मुझे बताएं इन दोनों सियासतदान को अपनी जंग की पड़ी हुई है। पीडीएम एक तरफ, पीडीएम है एक तरफ, पीटीएम। मुझे बताएं सारा आवाम का क्या कसूर है? क्या इनका मुकाबला मौजूदा टाइम के नरेंद्र मोदी के साथ हो सकता है? नहीं हो सकता सर। सर वो अपने मुल्क के लिए कितना काम कर रहा है? सर आपके सामने है, दूसरी पर तीसरी दफा वो प्राइम मिनिस्टर हो गया। सर अभी ये तीसरी मरतबा भी होने वाला, 2 साल 10 साल मुकम्मल होने वाला। बिल्कुल सर ऐसा ही है। सर हो तो ऐसे हो ना भाई, हुक्मरान हो तो ऐसे हो, मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाए। हमारे यहाँ पर तो समझ ही नहीं आ रही किस तरफ जा रहे हैं। सर इधर जो हमारे हुक्मरान है वो अपने घरों को तरक्की की तरफ लेके जाते हैं, अपने बच्चों को तरक्की की तरफ लेके जाते हैं, मुल्क को तरक्की की तरफ। अगर मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रहे थे तो 75 सालों में हमें कुछ नजर आता यार। बहुत शुक्रिया यार। सिंपली मैं आपसे एक ये रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे बताएं मेरे इलाके में एमपी आते हैं, एमएनए आते हैं, मैं उसे पूछता हूँ यार मेरा बच्चा भर्ती करवा देगा? मैं उसको कहता हूँ यार ये मेरे मोहल्ले के पैप लगवा देगा, ये लाइटें लगवा देगा। यार हम लोग बच्चे भर्ती करवाने पे, पाइप लगवाने पे इन पे ही रह गए हैं यार। हम लोग को मुल्क का सोचना चाहिए यार भाई, उनसे पूछना चाहिए कि भाई जब आप असेंबली में जाएंगे तो हमारे मुल्क के बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है जितने हमारे एमपी है मैंने ये सारे अपनी जितनी की जमीने हैं, नजायज जमीने हैं, नजायज इनकी प्रॉपर्टी है उसके लिए आते हैं भाई। बिल्कुल। और ये आपके उसको सारे रिलीफ दिलवाते हैं अपने आप को, इसलिए बनते हैं एमपी एमएनए। बहुत शुक्रिया। अजान हो रही है, अजान सुन लेते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। शुक्र अल्लाह की जात का। नाम आपका? मेरा नाम यावर नीस है। क्या करते हो? मैं रेड क्रॉस में होता हूँ। जबरदस्त हो गया।
बेसिकली बात करने का पर्पस है कि एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगा आपसे। एक मुल्क जिसको हम अपना दुश्मन कहते हैं और वही मुल्क आजकल दुनिया के ऊपर झंडे गाड़ते हुए जा रहा है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। सर इंडिया ने G20 का समिट करवाया और बाहर से दुनिया के बड़े बड़े वजीर आए, उस मुल्क के अंदर आकर नरेंद्र मोदी के पाँव पर गिर गए। अभी नरेंद्र मोदी का विजिट है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर चले गए वो। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मोदी इज द बॉस। बताएगा जरा कहीं ना कहीं कुछ भी करके हमारा कंपैरिजन मौजूदा जो सिनेरियो चल रहे हैं पाकिस्तान का, क्या हम इंडिया के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। इंडिया के साथ हमारा कैसे कंपैरिजन हो सकता? किस तरह से नहीं हो सकता? पहला तो सबसे पहले तो इस्लाम का ही है जी। अच्छा। मेन जो है वो हिंदू है, हम मुस्लिम है, मतलब इससे हम अफजल हो गए। हाँ बिल्कुल, वो तो अल्लाह ताला की नज़र में तो हम अफजल हो गए, मुसलमान हो गए हम, वो नॉन मुस्लिम हो गए। जो मुसलमानों के काम अल्लाह ताला ने जो नबी के जरिए हम तक पहुँचाए हैं, हम उस पर कितना अमल कर रहे हैं मौजूदा टाइम के अंदर, इस बात पर आइए ज़रा। कोई नहीं अमल कर रहे हम, दिन रात हम गुनाहों के चक्रों में लगे रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने भी कहा है ना, मुसलमान वही अफजल है जो तकवा से अफजल है, जिसके अंदर तकवा। क्या तकवा और मुत्तकी है हम? नहीं बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर हम अफजल कैसे हुए? बस नाम के अफजल रह गए ना अब तो। नाम मैं भी अफजल रख लेता हूँ, आप भी अफजल रख लें, फिर शबीर को। जी बिल्कुल, हंसने की बात नहीं है, सोचने की बात। नहीं सोचने की बात, वो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं नाम के अफजल रह गए ना, हमारे काम तो कोई नहीं है, हम उनसे ज़्यादा मतलब इन कामों में मुलविस है। हर तरफ आप देखेंगे कोई, हर बंदा एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में। सही, मैं आपको एक बात बताऊँ, कभी आपने सोशल मीडिया या कोई इस तरह की कोई चीज़ें विजिट करने की कोशिश की है, या आपने कभी इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन देखा किसी भी शोबे के अंदर? उनकी तरक्की के हवाले से तो देखते रहते हैं अक्सर कि मतलब वहाँ पे चीज़ें वो बनाते हैं, यहाँ पे हम सारी बाहर से लेते हैं, ये चीज़ें तो देखते रहते हैं, जैसे बाइक्स वगैरह हैं, गाड़ियाँ वगैरह हैं, और ये मोबाइल फ़ोन हो गए, ऐसी चीज़ें देखते रहते हैं। मतलब कि वो चीज़ें बना सकते हैं, हम क्यों नहीं बना सकते? हम बनाना जानते तो हैं, बल्कि रिसेंटली आपने देखा होगा, पता नहीं साहिवाल का था शायद वो लड़का जिसने हेलीकॉप्टर बनाया था, और वो उसने उड़ाया भी था, उस बंदे को गायब कर दिया, लड़का था वो, नहीं पता चला कहाँ गया वो। हमारे मुल्क से ही गायब हो जाते हैं, पता नहीं ये क्यों सही ना, ये वो साइड पे कर देते हैं। ये कोई अनोखी बात करता है हर, मेरे पास जो भी जिस भी पाकिस्तानी से मैं बात करता हूँ, आप बताइएगा कि क्या हमें इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर लेने चाहिए? वो दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन गया, हम क्यों नहीं बने? क्या हमें लेन देन करना चाहिए इंडिया के साथ, क्या तरक कर देना चाहिए? भाई हमने आपसे लेना देना है कुछ नहीं, बाकियों से भी ले रहे हैं तो उनसे भी ले लेंगे, अमेरिका भी तो ले ही रहे हैं ना हम। अच्छा, उनसे भी ले लेंगे तो क्या होगा, कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला नहीं है। नहीं, हिंदुस्तान को कैसे समझते हैं, नरेंद्र मोदी को कैसे समझते हैं एज अ इंडियन हुक्मरान? इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता तो नहीं है, लेकिन सुनने में यही है कि बड़ा अजीब सा ही बंदा है ये, और मुसलमानों के खिलाफ है। कितनी बड़ी बात है, वो मुसलमानों के खिलाफ है, हम सबके साथ होकर भी हम तरक्की नहीं कर रहे, वो खिलाफ होकर भी तरक्की कर रहा मुल्क। वो बेसिकली उनको सपोर्ट कर रहा है ना अमेरिका, अमेरिका के साथ मिले हुए। अच्छा? हाँ। क्या आपने बहुत बड़ी बात बता दी, क्या कोई अमेरिका चाहेगा कि मुल्क एक इंडिया उभर कर, या कोई भी मुल्क पाकिस्तान उभर कर अमेरिका से आगे चला जाए, कोई मुल्क चाहता है? नहीं ऐसा तो नहीं चाहेगा, हर मुल्क यही चाहता है ना कि ये भाई मेरे अंडर रहे। और हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अमेरिका की साजिश कैसे हुई, अमेरिका उसको कैसे ऊपर लेके जा रहा है? वो असल में अमेरिकन्स की नकल करते हैं, मतलब उनकी तरह उनका रहन सहन और सोच, उनकी तरह तालीम वगैरह, उनकी ये चीज़ें वगैरह सब जो है, मतलब आप समझ रहे हैं वो अमेरिकन की नकल करके तरक्की कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, मैं ये सोचता हूँ। ऐसी सोच है आपकी? हाँ, ऐसा है। हाँ मैं ऐसा सोचता हूँ। आप लोग बताइएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। नाम आपका? जाफर लतीफ। अली हमाद। ज़बरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि यहाँ पर मैं एक दिल के दर्द लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दिल का दर्द ये है कि अगर हम मैं अपने पॉलिटिशियंस की बात करूँ तो दुनिया के अंदर हमारा मजाक उड़ाया जाता है, दुनिया के अंदर कहा जाता है कि भाई पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस अपने खुद के बयान की वजह से ही सुर्खियों में रहते हैं। कुछ पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर अपनी छाप छोड़ दी है, दूसरे मुल्कों की बात कर रहा हूँ मैं, अब बात इंडिया की कर ले, मैं खुल के बता देता हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बारे में अगर कोई भी दुनिया का पॉलिटिशियन कोई बात करता तो सर क्या क्या बात करता है। G20 की मीटिंग अभी इंडिया में हो रही तो दुनिया के जो वजीर आजम इंडिया गए और मोदी के पाँव पकड़ के वो सलामी दे रहे हैं उसे। अभी रिसेंटली मोदी जो है वो गए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मोदी इज़ द बॉस, और हमारे यहाँ से जाते हैं तो वहाँ कहते हैं बेगर कांट बी चूजेस, बेगर चूजेस नहीं कर सकते। क्या हम बेगर्स हैं?
क्या नरेंद्र मोदी को जिस तरह से इंडिया को जिस तरह से रिस्पेक्ट मिल रही है, क्या वो डिजर्व करते हैं? जी, आपने काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन कवर किया पूरी डिस्कशन में। अच्छा, बेसिकली मेरा इस पर थोड़ा सा थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, बिकॉज मैं खुद इंटरनेशनल मार्केटिंग में हूँ और काफ़ी कंट्रीज ट्रैवल करता हूँ। रिसेंटली श्रीलंका, मालदीव, इन सारी कंट्रीज़ को मैं देख रहा हूँ, CIS में भी, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। बेसिकली इंडिया इस वक्त बहुत ग्रूमिंग और अच्छी मार्केट है, किसी भी परस्पेक्टिव से देखें, मेडिसिन है, टेक्नोलॉजी है। का पॉइंट मैं समझ रहा हूँ जिस साइड से आप कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जब गुर्बत होगी तो ऑब्वियसली जिसके हाथ में कुछ नहीं आएगा, क्राइम रेट, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं, इम्पैक्ट आता है। बट बेसिकली मेरा पॉइंट ये था कि रूट कॉज क्या है ना, हम खुद एक कौम बन पा रहे हैं, हम लोग एक हजूम की तरह ही रोल प्ले करते हैं कि जिस तरफ चल पड़े चल पड़े। मैं आपको श्रीलंका की एग्जांपल देता हूँ, अभी 4-5 माह पहले उन पे डॉलर 380-40 पे था, अब वो 300 पे आ गया, 60 रुपये उन्होंने गिरा लिया, और उस डॉलर के बावजूद उनके लोग निकले, उन्होंने कहा कि जी हमें सियासतदानों से इख्तलाफ है, उन्होंने कॉन्स्टेंट रिस्पॉन्स दिया। तुर्की को देख ले, वहाँ पर माशाल्लाह का आया, लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, मैं वो नहीं कह रहा कि रिवोल्ट कर दें, लेकिन एक लोगों का प्रोटेस्ट रिस्पॉन्स आया जिसकी वजह से कोई भी चीज़ उनको डोमिनेट नहीं कर पाई। यहाँ पे एक दिन निकलेंगे, दूसरे दिन मार पड़ेगी, चौथे दिन प्रोटेस्ट आपका साइड पे हो गया, किसी का कोई विजन नहीं है, सारे अपने अपने धंधों में लगे हैं, भाई पैसे कमाओ, घर बनाओ और सिस्टम चलाओ। तो जब तक एक विजन नहीं बनेगा, एक नेशनल विजन के साथ नहीं जाएंगे, तो ये मसले मसाइल बने रहेंगे। क्या एक बंदा, जिस तरह के इमरान खान साहब बाहर निकले हैं, क्या एक बंदा तब्दीली ला सकता, पूरी कौम को चेंज कर सकता है या नहीं कर सकते, इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी, मैं बिल्कुल इसमें